वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, लास्ट वीडियो हमने बात करी थी वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस, जो हमारी थर्मोडायनामिक्स वाली सीरीज चल रही है। अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स जो इसके साथ आ जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, व्हाट डज दिस से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स। सी डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, दैट मीन्स हम कंसर्न्ड होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ, ठीक है। अब हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता क्या है, इट्स ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि ना तो आप एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दैट मीन्स ओवरऑल ये कंजर्व रहती है। अगर क्रिएट होगी तो बढ़ेगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी, तो कंजर्व तो नहीं रहेगी। तो नाइदर आप इसको क्रिएट कर सकते हो ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जनरली वी नो एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंक्लूड करता है दो चीज़ों को। एक तो हम इसमें इंटरनल एनर्जी को पढ़ेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, जो काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, उन दोनों का समअप होता है। अगर लेकिन हम आइडियल गैस की बात करेंगे, आइडियल गैसेस आर होली काइनेटिक इन नेचर। जो इंटरनल एनर्जी, और हम किस चीज़ की बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, हम बात करेंगे हीट एनर्जी की। इसका क्या रिलेशन है, कहने का क्या मतलब है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में हमने कोई भी अमाउंट हीट का ऐड कर दिया, लेट्स से वी आर एडिंग सम अमाउंट ऑफ हीट टू इट, लेट्स से डी क्यू को हमने ऐड कर लिया, हम स्मॉल हीट को ले लेके इंटीग्रेट करके ओवरऑल हीट टोटल हीट निकाल लेते हैं, क्योंकि वो चेंज इन हीट हम निकाल लेते हैं। पहले कितनी थी जब हमने ऐड नहीं की, फिर जब हमने ऐड करी फिर कितनी थी, दैट इज़ वट वी कैलकुलेट एंड दैट इज़ वट वी अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। तो ये कोई सिस्टम है, उसमें मैंने जब डी क्यू अमाउंट हीट ऐड कर ली, ठीक है, तो ये डी क्यू एनर्जी मैंने इसमें ऐड कर ली, इस डी क्यू के दो पार्ट्स हो जाएंगे जो मैंने सिस्टम में ऐड कर लिए ऑन एडिंग टू सिस्टम। एक पार्ट जो है इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, जितना इंक्रीज करेगा आई विल कॉल दैट एज डी यू, लेट्स से इट इंक्रीज डी यू, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सिस्टम में वर्क डन सेटअप करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे पास एक सिस्टम था, इस सिस्टम में मैंने डी क्यू हीट ऐड कर ली, वो जो डी क्यू हीट इस सिस्टम में चली गई वो दो पार्ट्स में यूटिलाइज हो जाएगी। एक उस हीट का पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है डी क्यू का वो किस में चला जाएगा, दैट विल बी यूज्ड अप एज द एक्सटर्नल वर्क डन, जिसको हम डी डब्ल्यू कहते हैं। कहने का क्या मतलब क्या डन बाय द सिस्टम, कहने का क्या मतलब है, अगर मान लेते हैं मैंने इसमें एक्स अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, तो एक्स अमाउंट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी बना देगा डी यू, और जो बचा वहाँ पे वो किस में चेंज होगा, तो डी डब्ल्यू। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ डी डब्ल्यू होगा एक्स माइनस डी यू, रिमेनिंग पार्ट जो होगा, ठीक है, क्योंकि वो डी डब्ल्यू में सेट होगा। तो अगर हम इस डी क्यू को समझ ले, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ डी क्यू जो मैंने ऐड किया टू द सिस्टम, इट विल बी इक्वल टू डी यू जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ प्लस डी डब्ल्यू, ठीक। यहाँ तक कोई आई गेस दिस विल बी क्लियर टिल नाउ। अच्छा,
और हमें ये भी पता है, वी हैव ऑलरेडी प्रून दिस फ्रॉम दी प्रीवियस वीडियोज, अगर आप देखोगे वी हैव सीन दैट जो डी डब्ल्यू होता है दैट्स नथिंग बट पी डी वी, अगर हम शॉर्ट स्मॉल वर्क डन की बात करें तो कैन आई राइट फाइनली जो डी क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. सो वट इज डी क्यू? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो मैंने ऐड किया सिस्टम में, और उस सिस्टम में उस हीट का एक पार्ट इंटरनल एनर्जी. लेट मी राइट हियर फॉर यू, दिस इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में यूज हुआ. और जो बचा डी डब्ल्यू, ये कितना काम करेगा? दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डी वी. एक गैस का एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे. तो ये हम यहाँ तक समझ आ गए. अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक साइन कन्वेंशन ध्यान रख लेना. वी जस्ट यूज सम साइन कन्वेंशंस. व्हाट आर दो साइन कन्वेंशंस? जस्ट अंडरस्टैंड, अगर वर्क डन, इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है उस केस में क्या करते हैं हम? We take the work done by the system as positive. These are the sign conventions. और अगर while अगर हम ऐसे कहेंगे work done on the system, we will call that as, मतलब sign convention में उस work done को हम negative ले लेते हैं. ये work done की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं ये कहूँ if the heat is gained by the system, if the heat is gained by the system, what will happen in that case? उसकी internal energy तो gain बढ़ जाएगी, तो we will call उस case में हम उसको we will take that as positive. और otherwise अगर heat is lost, या समझ लो या heat is given by the system, lost by the system, उसको हम ले लेते हैं, उस dQ को उस time पे negative ले लेंगे. ठीक है, ही केस आप केमिस्ट्री में यूज करते हो फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना है एक और पॉइंट, आप यहाँ पे ये साइन कन्वेंशंस में ध्यान रख लीजिए. वो क्या है? दैट इज वेरी सिंपल. डी क्यू को भी ले लिया मैंने, हीट को, वर्क डन को भी ले लिया. अगर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हुई, तो वी टेक दैट एज पॉजिटिव. आई कैन से इंक्रीज ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव. एंड व्हाइल एज डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है वो डिक्रीज हुई ड्यू टू एनी रीजन, वी विल टेक दैट एज नेगेटिव. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में. अब हमने ऑलरेडी साइक्लिक प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है. अगर मैं आपसे ही पूछ लूं, ये स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? वी हैव डन न्यूमेरिकल ऑन दिस, लेट से ए बी सी डी ये स्टेट है, यहां तक चलो पीवी डायग्राम में समझते हैं, ये पी ये वी है. इस पूरे ए बी प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो वी विल कॉल दिस एज आइसोबारिक. पूरे बी सी में क्या हो रहा है? इसमें क्या रह रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम, वी विल कॉल दिस एज आइसोकोरिक. सेम इज द केस सी डी में, दोबारा प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है आइसोबारिक, एंड अकॉर्डिंगली वी विल कॉल इट एज आइसोकोरिक अकॉर्डिंगली. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस चीज को समझें, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? सिस्टम रीचेस अगेन टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है सिस्टम. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज ये यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर वापस अपनी जगह पे है, तो चेंज कितना आया स्टेट में? आप क्या कहोगे? जो चेंज इन स्टेट है वो तो वापस उसी स्टेट में आया, चेंज नहीं है, चेंज इज जीरो. सेम इज द केस हियर, जब भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस के केस में क्या हो जाता है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी,
इन द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। और अगर लेकिन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस होगा, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, ये ध्यान रखना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे, चेंज इन इंटरनल यू डी यू, दैट मीन्स डी यू जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस में जब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कर लीजिए, वी नो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी या डी डब्ल्यू ले लो, तो वी विल से डी क्यू इक्वल्स टू जीरो, इसको जीरो पुट करके पी डी वी ही आएगा हमारा आंसर। सो व्हाट डज दैट मीन, साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड है वो क्या हो जाता है, उसमें इंटरनल दैट इज नॉट यूज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट रह जाती है इसमें, तो उस केस में क्या होता है कि जो डी क्यू है दैट इज द फंक्शन ऑफ ओनली प्रेशर, राइट। सो मैं ये कह सकता हूँ इन अ साइक्लिक प्रोसेस द हीट सप्लाइड, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख लूँ, इन द साइक्लिक प्रोसेस द हीट सप्लाइड, जो आपने हीट सप्लाई करी दैट इज डी क्यू, दैट इज होली कन्वर्टेड इन टू वर्क डन, दैट इज होली कन्वर्टेड इन टू वर्क डन, सारी जो हीट है ना सिर्फ वर्क डन में कन्वर्ट होगी। मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज नहीं होने की, वो पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एरिया, फिर जब आप इस साइक्लिक प्रोसेस का एरिया निकालोगे ना, और एरिया ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ही हमारा एरिया ऑफ साइक्लिक प्रोसेस आप निकालो, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अगर आप यहाँ पे निकालोगे ना ये एरिया, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ये एरिया इसीलिए वर्क डन ही देता है, दिस इज वर्क डन नॉट द हीट सप्लाइड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं मुझे यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी भी हीट लिक्विड को मैं हीट कर रहा हूँ बॉइलिंग प्रोसेस में अप्लाई करना है। सो व्हाट इज आई एम गोइंग टू डू इज लाइक सपोज आपने किसी लिक्विड में हीट सप्लाई करी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है यानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे ये बॉइल करना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हो यानी ये बॉइल स्टार्ट कर रहा है या जितना टेम्परेचर आपने दिया अब ये बॉइल कर रहा है, आपने प्रेशर को रख दिया कॉन्स्टेंट, उसके बाद क्या होगा, जो यूनिट जैसे लिक्विड है, लिक्विड का जो भी मास होगा, लेट्स से 1000 kg या 1000 liter, इसमें से अगर मुझे ये पता लगे मुझे 1 liter ऑफ वाटर को गर्म करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, तो मैं तो 1000 के लिए पता कर लूँगा। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाओगे, लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, और टेम्परेचर और प्रेशर को रखा आपने कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखने पे जो लिक्विड के यूनिट मास, चाहे 1 kg ले लो, 1000 ले लो, 1 gram ले लो, उस 1 kg ऑफ लिक्विड को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है सो दैट इट विल चेंज टू एट बॉइलिंग, लेट मी राइट एट बॉइलिंग, बट यूनिट मास रिक्वायर सर्टन अमाउंट ऑफ हीट सो दैट इट कैन चेंज इन टू वेपर। और ये जो अमाउंट ऑफ हीट है जो लिक्विड को आफ्टर बॉइलिंग कन्वर्ट कर रही है किसमें, वेपर में, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप दैट्स क्लियर। या आप ये समझ लो पानी उबल गया, लेट्स से एट 100 degree, पानी की बात कर रहे हैं, 100 degree पहुंच गया, उसके बाद तो ये बॉइल नहीं करेगा, इट विल नॉट बॉइल, लाइक इसका टेम्परेचर तो अब आप चाहते हो, आप इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो वेपर में। अब वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 1 gram या 1 kg लिक्विड को कितना हीट देना है सो दैट कि ये अब वेपर में चला जाए पोस्ट बॉइलिंग, तो उसी लेकिन प्रेशर को कौन, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास m मास है, कुछ भी है लिक्विड का,
और एक ये बॉईल कर रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट, एट पॉइंट ऑफ बॉइलिंग इसका एम मास है मेरे पास, ठीक है। अब लेट अस से कि उस टाइम पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, लेट पी इज द एक्सटर्नल प्रेशर, जो मैं एक्सटर्नल प्रेशर रख रहा हूँ, ठीक है। रॉल्स लॉ आपने पढ़ा ही है, उससे कोरिलेट करके आप समझ सकते हो प्रेशर का सिग्निफिकेंस क्यों है यहाँ पे। अब लेट अस से कि ये वो प्रेशर है एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर जिस पे ये लिक्विड बॉईल कर रहा है। मान लेते हैं मुझे एल अमाउंट ऑफ हीट देनी थी इसको, या लेटेंट हीट इसकी एल है जिस पे ये वेपराइज हो जाएगा, तो मुझे टोटल हीट कितनी देनी है। और इफ आई विल राइट डेल्टा क्यू, वो दैट विल बी इक्वल टू एम एल, मतलब 1 kg को कितना देना पड़ेगा। जैसे 1 kg को मुझे 10 ग्राम 10 जूल्स देने हैं, तो 1000 को कितना देना पड़ेगा। आई विल सिंपली मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट। तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि यही तो होता है एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो क्या कहता है कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड, जो आपने हीट सिस्टम में सिस्टम को दे दी, वो किस में हो जाएगी कन्वर्ट। साइक्लिक प्रोसेस तो है नहीं है बॉइलिंग, वो होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और इट विल बी एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। तो हमें पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या पी डब्ल्यू ले लो, पी डी वी सॉरी वो ले लो। तो ये होता है कि जब हम मान लेते हैं कि आप इस इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है इनिशियल कितना है। तो क्या मैं, चलो इसको इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं, तो लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ना एम एल इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम एल विल बी इक्वल, डेल्टा यू मतलब चेंज, चेंज का मतलब कितना होता है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमें पता है पी डी वी, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा वो भी हम लिख सकते हैं, पी फाइनल वॉल्यूम माइनस पी इनिशियल वॉल्यूम। ये बॉइलिंग के केस में सिंपल। तो जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, व्हाट आई विल गेट लाइक दिस वे, एम एल माइनस पी वी एफ माइनस पी आर। ये होता है कि बॉइलिंग में कि इंटरनल एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो अगर आपके पास लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेटेंट हीट आपको आई गेस मोस्ट प्रोबेबली समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं।